हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग का न्यू टॉपिक जो है वह यूपीपीसी 2023 की टाइम टेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग टाइम देखेंगे तो आपके पास अब 100 डेज से कम टाइम है, यानी आज एक दिन उसमें भी निकल गया। जबकि मैंने आपको पिछला जो स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था आपको कि मैं लास्ट के 13 डे का मतलब ही कुछ नहीं समझ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि याद है ना, लास्ट के 13 डेज का मतलब क्या है, आपको पता है आपका एग्जाम क्या है, 14 मई को आपका एग्जाम डेट है। 14 मई क्या है आपका, तो 14 मई आपका एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपका क्या है, तो एग्जाम डेट आपका 14 मई है। 14 मई में यानी पहले के जो 13 दिन है, 14 मई के पहले के जो 13 डे दोस्त, ये 13 डे नॉर्मली इसमें कुछ न्यू वर्क नहीं हो पाता है। इसमें सरेआम मना किया जाता है कि कुछ भी आपको न्यू वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो जो दोस्त आप सोच रहे होंगे ना कि मेरे पास 100 डे के भी टाइम है, ठीक है, तो दोस्त ध्यान देना, उसमें अगर आप 100 डे मान के चलोगे ना, तो मेरी स्ट्रेटजी कहती है आपकी स्ट्रेटजी फेल होगी, ठीक है। 100 डे एकदम आपके पास नहीं, लास्ट 13 डे को आप अपने पास मान के चलो मेरे पास दिन ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस 13 दिन की मैंने स्ट्रेटजी आपको पहले बताई हुई है करना क्या है, फिर से मैं वहीं से अपनी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं बार बार ये चीज चाहता हूं कि आप लोग स्ट्रेटजी बेस्ड गलती ना करें, ठीक है। मैं आज एक टाइम टेबल बनाऊंगा, ठीक है। टाइम टेबल मेरा जो आज का रहेगा वो एग्जाम नजदीक है, तो मैं 8 आवर का टाइम टेबल रखूंगा। मैं मानूंगा यूपीपीसीएस देने वाला हर अभ्यर्थी को 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए, ध्यान देना है। 8 घंटे की इस प्लानिंग में वो लोग जो मेंस लगातार लिख रहे हैं, ठीक है, वो लोग बस अपनी वर्किंग टाइम को कम कर सकते हैं, मतलब स्टडी टाइम को कम कर सकते हैं, किसी और सेगमेंट में दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपसे कहूंगा दोस्त, प्री फोड़ो, इस बार प्री यूपीपीसीएस का फोड़ो, क्योंकि जो माहौल बना हुआ ना, अगर वो माहौल सही निकल गया तो बहुत टाइम है आपके लिए, बहुत टाइम है आपके पास यूपीपीसीएस में रिजल्ट पाने के लिए। क्योंकि जैसे न्यूज आ रही है इस बार की, न्यूज कह रही है कि इस बार यूपीपीसीएस में एसडीएम की बंपर पोस्ट होने वाली है। बंपर इन द सेंस ये नहीं कि 1000 एसडीएम की पोस्ट होने वाली है, ये कदापि मतलब नहीं होता है। बंपर मतलब ये होता है कि अराउंड 80-90 की करीब में पोस्ट आने वाली है। जैसे इस बार डिप्टी एसपी की पोस्ट बहुत अच्छी है 2022 में, ऐसा माना जा रहा है कि 23 में एसडीएम की इतनी अच्छी पोस्ट हो सकती है, ठीक है। और अभी उसी मानने के दम पे, मैं खुद भी उसी मानने के दम पे हूं। तो अब बात आती है कि सर आप पहले, मैं आपको वही चीज बता देता हूं जो मैंने हमेशा आपसे बोला है कि आपको जानना है आपको करना क्या होता है लास्ट के दिनों में, जानना है लास्ट के दिन। तो लास्ट 30 डे आप पहले मैं लिखता हूं, आप लोग इसको नोट कर जाना अपनी डायरी में। जो दोस्त इस प्लान को नहीं फॉलो करेंगे, लास्ट 30 डे में अपनी बकवास की रणनीति लगाएंगे, ठीक है, वो अपने लिए खुद उत्तरदायी होंगे, मैं नहीं, ठीक है। लास्ट 13 डे में इसी के लिए पहले बता रहा हूं, इसमें आपको केवल बैक ईयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बैक ईयर प्लस करेंट अफेयर। जो बैक ईयर आप पढ़ेंगे इसमें क्या होना चाहिए, इस लास्ट 13 डे में कम से कम 20 ईयर के बैक ईयर का रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 20 साल के बैक ईयर का आपको रिवीजन करना होगा, कम से कम 20 ईयर बैक ईयर का आपको रिवीजन करना ही होगा। और करेंट अफेयर में आपको ध्यान देना है, इसमें लास्ट नाइन मंथ के करेंट अफेयर का रिवीजन करना होगा, 9 महीने के। तो ये इतना काम ऑलरेडी है ना कि आप लास्ट 13 डे में आपके पास समय ही नहीं है, इतना काम करने के लिए आप डेली आप 12 आवर प्लस देंगे, 12 घंटे से अधिक देंगे, तब ये काम आप लास्ट 13 डे में कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहां पे ध्यान देना, ये मैंने लास्ट 13 मंथ के जो करंट अफेयर की बात की है, ये मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला है, ये मैं रिवीजन के लिए बोल रहा हूं। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं आप लोग को रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूं, यानी दोहराने के लिए बोल रहा हूं, ना कि पहली बार आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। यानी करंट अफेयर पे आपको वर्क इसके पहले ही करना है, ठीक है, करंट अफेयर पे आपको वर्क इसके पहले करना है। तो बैक ईयर और ये, तो लास्ट 13 दे तो यही हो गया। अब मैंने बोला कि सर आपकी टाइम अब अंडर 100 डे आ गया, यानी ईमानदारी से थोड़ी गलत से सट लगाओ इसको, 13 को 15 दिन मानो, तो अराउंड आपके पास 85 डेज का टाइम है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि कुछ लाइए इससे जो टाइम टेबल है उसको मैं नेक्स्ट चार्ट में डालूंगा। अब एक दुविधा आपकी आ सकती है कि सर आपने ये तो बोल दिया कि सर लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर देखना है, तो वो लास्ट 9 मंथ क्या है, तो भाई आपका मई में एग्जाम है, ठीक है। तो आपका एक तो हो गया एपी यानी अप्रैल पढ़ लो, ठीक है, मार्च का पढ़ना है, ठीक है, फेब का पढ़ना है, जनवरी का पढ़ना है, 4 महीना तो आपका यही हो गया,
चार महीना आपका ये हो गया। अब उधर के पांच महीने में जाओगे तो एक आपका आ गया, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपका हो गया 9 महीने, ठीक है। तो यानी आपको पढ़ना कहां से स्टार्ट करना है, आपको कम से कम अगस्त 2022 से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अगस्त 2022 से लेकर आपको अप्रैल 2023 के करंट पर आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, 2023 के, ठीक है। यहां पे अप्रैल में, लास्ट अप्रैल नहीं, अप्रैल में आपको कम से कम 20 अप्रैल तक का न्यूज पता रहे, 20 अप्रैल तक का न्यूज पता रहे, ठीक है। और यहां पे अगस्त को आप लोग कर लेना लास्ट में 20 जुलाई, तो 20 जुलाई से लेकर आपके पास, ठीक है, 20 अप्रैल तक के करंट अफेयर पे आपकी पकड़ रहनी चाहिए, क्लियर बात। तो करंट अफेयर आपको कितने मंथ का पढ़ना है, कब से कब पढ़ना है, ये चीज मैंने अभी तक क्लियर कर दी। अब हम लोग एक अगली बात पे आते हैं, अगली बात आएंगे दोस्त, अगली बात क्या है, करंट अफेयर की सोर्सेस को लेके लोग परेशान होते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से वही सोर्सेस की बात करता हूं, ठीक है। अब देखो सोर्सेस में मेरा ये मानना है कि लास्ट में करंट अफेयर मत लेके जाओ, ठीक है। तो लास्ट में मैं करंट अफेयर ले जाने के लिए मना करता हूं, यानी आपको पहले कुछ काम करनी है। जैसे आप लोग क्या करो, ठीक है, अभी मार्केट में मैंने देखा है, अभी इंग्लिश मीडियम की बुक आई है, ठीक है, घटना चक्र की एक बुक है, उसका नाम है घटना चक्र, ठीक है, आई दृष्टि, आई आई दृष्टि, ध्यान देना ई दृष्टि नहीं, कुछ लोग आई दृष्टि और ई दृष्टि में फंस जाते हैं। ई दृष्टि में भी आंख बनी होती है और आई दृष्टि में भी आंख बनी होती है, लेकिन आई दृष्टि वाली जो आंख होती है ना दोस्त, वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, ध्यान देना, इसमें सिंगल आंख होती है और ये थोड़ी बड़ी आंख होती है, ठीक है, कवर पेज पे। अभी इसकी जो है, चूंकि ये एग्जाम के जस्ट पहले आती है, पहले ये यूपी पीसेस, यूपी मतलब पीसेस के आती थी, इधर इन्होंने क्या किया है, अपनी ये बुक क्या किया है कि बीपीएससी के लिए भी निकाल रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी निकाल रहा है। और इनको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम क्या है, यूपी पीसीएस की भी बहुत सारे अभ्यर्थी देते हैं, तो इसकी सेल यूपी में भी अच्छी खासी रहे, इसलिए इन्होंने क्या किया है, ध्यान देना, अच्छी समझ रहा है, कभी भी जो करेंट अफेयर बदलता है ना, वो केवल स्टेट स्पेशल करेंट अफेयर बदलता है, स्टेट स्पेशल करंट अफेयर। तो यही जो आपका स्टेट स्पेशल करंट अफेयर है ना, ये आपको यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी के लिए बीपीएससी स्पेशल, बिहार स्पेशल करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एमपी के लिए एमपी स्पेशल, ठीक है, राजस्थान के लिए राजस्थान स्पेशल। तो इन्होंने क्या किया है, इस बुक में जो जानकारी इनके द्वारा कवर पेज पे दी गई है, कि ये क्या किया है, इसमें स्पेशल में ये यूपी के भी स्पेशल करंट अफेयर के लिए पोर्शन रख दिए हैं, और बिहार के लिए भी इन्होंने क्या किया, इसके लिए पोर्शन रख दिया, यूपी और बिहार दोनों की रखती है। अब इस बुक में यूपी वाले क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं, अभी इसकी इंग्लिश आई है, जैसे अभी मार्केट में दिख रही है, तो इसकी अभी इंग्लिश आई है, अभी इसका हिंदी नहीं आया है, उम्मीद करेंगे कि इसकी जो हिंदी है वो भी मार्केट में जल्द से जल्द आ जाएगी, ठीक है, कब तक आ जाएगी, तो वो आपको मार्केट पे नजर रखेंगे, खबर मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना। अब मैं ये घटना चक्र वाला मैगजीन के लिए बहुत लोग फोन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कोई सेलर नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, मुझे घटना चक्र रुपया नहीं दिया कि मेरा प्रचार करना, ठीक है, बुक्स अच्छी है तो मैं खुद ही प्रचार कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, हिंदी मीडियम वालों हो या इंग्लिश मीडियम वालों, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें इनकी जो संक्षिप्तकी लास्ट में क्या होता है, संक्षिप्तकी लिखी होती है, संक्षिप्तकी आप सब लोग पढ़ना जरूर, जो भी लिखा होगा इसमें आपको संक्षिप्तकी पढ़ लेनी है, प्लस इसमें आपको जो यूपी स्पेशल करेंट अफेयर होगा ये दो चीज पढ़ लेनी है। अब बोलोगे सर संक्षिप्तकी घटना चक्र में क्या होती है, तो ये लास्ट में होती है, ठीक है, ये क्या होता है संक्षिप्तकी घटना चक्र के लास्ट में, मतलब लास्ट के 60-70 पेज में ये संक्षिप्तकी होती है, जिसमें महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण व्यक्ति, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, चर्चित पुरस्कार, चर्चित खेल, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी गई रहती है, ठीक है, ध्यान देना है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर, ठीक है, यूपी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे लिखा था, जो योजना है, परियोजना है या कोई इनिशिएटिव्स दिया गया है वो सब, तो ये दो चीजें इसमें देख लीजिएगा, ठीक, ये कंफर्म देख लेना है। और इसको इस मैगजीन में, इस मैगजीन, ये ईयरली मैगजीन है, ध्यान देना है इस बात का, ये मैगजीन क्या है, ये ईयरली मैगजीन है,
इस मैगजीन में मैंने आपको बताया है कि जो जो घटना आपके 20 जुलाई के पहले की होती है, मैगजीन में टाइम लिखा रहता है, मैगजीन में टाइम लिखा रहता है कि घटना जून की है, ये मई की है, आपको वो सभी घटनाएं छोड़ देना है, ठीक है। जो घटना 20 जुलाई के पहले होगी ऐसी किसी भी घटना को आपको, ठीक है, नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में? ऐसा कोई भी घटना आपको नहीं पढ़ना जो 20 जुलाई के पहले की होगी, ठीक है। तो पढ़ना क्या, वो समझ में आए। संक्षिप्त की में भी सेम काम, जो चीज 20 जुलाई के इधर की हो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की, वो पढ़नी है। जो चीज यूपी स्पेशल में भी सेम, यूपी स्पेशल में आप जा सकते हो, मतलब इसको आप जून कर सकते हो, लेकिन बहुत नहीं, ये नहीं कि आप बहुत पहले के चक्कर में आप जनवरी कर दीजिए, ठीक है। अगर लगेगा कि नहीं कंटेंट कम है, 10-20 फैक्ट याद कर सकते हैं, तो आप यहां पे रिस्क ले सकते हो। यूपी स्पेशल में कभी कभी क्या होता है ना कि 1.5 ईयर के भी करेंट आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और ज्यादा नहीं, 100 फैक्ट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा कि सर बहुत ज्यादा पढ़ देना है, ठीक है, बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो यूपी स्पेशल में थोड़ा बढ़ के पढ़ सकते हो, लेकिन संक्षिप्तकी में बहुत बढ़ के नहीं पढ़ना है। इसमें मैं एनालिटिकल टॉपिक्स अभी मना करूंगा आप लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। यानी जो राष्ट्रीय घटना है, जो अंतरराष्ट्रीय घटना है, जो इकोनॉमिक परिदृश्य है, जो साइंस टेक का पोर्शन है, ठीक है, ये अभी मैं मना करूंगा, आप मत पढ़ना, ठीक है। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग लास्ट में डाल देते हैं सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें फैक्ट्स कम याद करने होते हैं, पढ़ना होता है, एक रीडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, और फैक्ट्स हर एक पेज से मैच 5 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट वाला रहता है। लेकिन संक्षिप्तकी में आपको फैक्ट ज्यादा याद करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको लोड ज्यादा रहता है, तो आप पहले ये याद करिए, ये याद हो जाए तब आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे जाइए, वरना अभी दिमाग में रखना है, अभी आप पहले ये फोकस करना। मैं जब करंट अफेयर पढ़ा भी था ना, तो मैं सबसे पहले संक्षिप्तकी इसी के लिए पढ़ाता था, क्योंकि बहुत फैक्चुअल होती है, ठीक है। यहां पे पकड़ बनवा लिया तो समझो मेरी जीत है, जो भी तैयार कर लिया उसकी जीत है यहां पे, ठीक है। अब बात आते हैं हम लोग, अब करंट अफेयर का डाउट मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं आता हूं अपने 8 आवर का टाइम टेबल। तो कॉल आ रहा, ठीक है। 8 आवर का जब बात की, 8 आवर के टाइम टेबल की, ठीक है, तो मैं आप ही कहूंगा आप लोग से, मैक्सिमम अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री पे टाइम दो आप, क्योंकि हिस्ट्री पे टाइम इसलिए दो, पता नहीं क्या हिस्ट्री को अचानक यूपीपीसीएस को मोहब्बत हो गई है, और इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा आ रहा है, इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसकी संख्या सबसे ज्यादा हो रही है, और इसमें जो रिपीटेड प्रश्न है, जो रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, और जो इसमें न्यू प्रश्न, इसमें अराउंड 50% क्वेश्चन आपके रिपीटेड आ रहे हैं, तो इसके लगभग 50% क्वेश्चन आपके न्यू आ रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या करें कि इसके लिए जिसको लगता है कि सर मैं कुछ बुक्स पढ़ सकता हूं, तो वो इसके लिए कुछ बुक स्टोर का सहारा ले। मैं अभी बोलूंगा कि अगले एक महीने क्या करिए आप लोग ना, अगला एक महीने 4 आवर टाइम आप लोग क्या करिए, 4 आवर टाइम आप लोग, ठीक है, करेंट अफेयर पे दीजिए, ताकि आप लोग पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को अगले एक महीने में तैयार कर ले। हालांकि 4 आवर मैंने बहुत ज्यादा लिया, 4 आवर करंट अफेयर पे मैंने देने के लिए बोला, मैंने फैक्चुअली काम है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, इस बीच में इसको कम से कम 4 टाइम रिवीजन कर लेना है, 4 टाइम रिवीजन कर लेना है, ठीक है, 4 बार कम से कम रिवीजन। अब 8 घंटे का मैं वो वाला टाइम टेबल नहीं लिखूंगा कि मॉर्निंग में पढ़ लो, हालांकि अगर आपने, आपको देखिए इच्छे समझना है, एग्जाम आपका फैक्चुअल है, ठीक है, फैक्चुअल एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है आपको याद करना होगा, आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, और अगर हम याद नहीं करेंगे तो आपको होगी समस्या, ठीक है। तो अगर आप मॉर्निंग में आपको उठ के घोटने वाली आदत हो ना, जो हम लोग 9, 3, 6, 8, 7 में करते थे, वो काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब हिस्ट्री के लिए पढ़ने क्या, मैंने स्ट्रेटजी वीडियोस में बोला है, मैं संक्षेप में बोलूंगा, आप चाहिए तो कोई बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन लेना हो, इसके लिए आप
कोई भी बुक मार्केट में आशुतोष कुमार सिन्हा की बुक ले सकते हैं, महेश बड़वाल भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक लिखे हैं उनकी ले सकते हैं, ठीक है। या आपने किसी कोचिंग का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा तो उनके कुछ मटेरियल होंगे आप वो दे सकते हैं। यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन किया होगा तो यूपीएससी हिंदी में हिस्ट्री तो मैंने ही पढ़ा हूं और मैं भी आपको जो स्क्रीन पे कंटेंट है मैं वो आपको दे रहा हूं, आप उसकी मदद ले सकते हो, ठीक है, जान रहा है। अच्छा, कुछ लोग अब यहाँ पे क्रैश कोर्स का नाम लिया तो हो सकता कोई लोग कुछ लोग की जानकारी कि सर जुड़ कैसे सकते हैं, तो देखिए एक कॉन्टेक्ट नंबर मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, 9519780078 इस पे या 8840751912 इस दो नंबर पे ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे संपर्क करके बेस्ट डिटेल दे सकते हो। फीस अब बहुत कम कर दी है, 40% फीस डाउन कर दी गई है, ठीक है, आप समझना 40% फीस डाउन कर दी, यानी जिस बैच की फीस आपकी 2000 रुपए होगी, ठीक है, आप सीसेट लगा के देख लो कि कितना रुपए कम हो गया, ठीक है, थोड़ी मेरी सीसेट कम है तो मैं आपका खुद का भी सीसेट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इससे क्या करिए, और मैं कहूंगा ना कि जोड़ के यार खत्म करो आप, ठीक है, अब इस खेल को खत्म करो। तो हिस्ट्री में आप क्या करिए ना कि डेली अभी मैं कहूंगा कि कम से कम 3 आवर दो ही दो, 3 आवर दो हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री में जैसा पैटर्न है मेरे से लिख के ले लो, इस साल भी 25 क्वेश्चन से कम नहीं आ रहा है और प्रश्नों की संख्या 30 पार भी कर सकती है, क्योंकि पिछली बार पार कर गई है, 22 में 30 पार कर गई है, तो ये चीज आपको ध्यान देना। और मैं करंट अफेयर में 4 घंटे इसलिए कह रहा हूं यार, करंट अफेयर में लास्ट टाइम 39 क्वेश्चन आ गया था, यानी अराउंड 35-40 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो पहले महीने आपको इस 30 दिन में आपकी जो मेजर सब्जेक्ट है उसको खत्म करो, क्योंकि तो अगर आपने 6 मंथ का करंट अफेयर कर लिया और हिस्ट्री कर लिया ना, अब इसमें किसी को लगे कि सर मैंने जल्दी कर लिया है तो कुछ अदर चीजें कर ले, घटना चक्र कर ले, इसमें हम हिडन एक चीज बोलते हैं, ठीक है, हिडन एक चीज बोलते हैं, आपको डेली 2 घंटे बैक ईयर पे देना है, बैक ईयर मतलब ईयरली जो बैक ईयर की बुक है, जिसने भी जो चीज लिया हो, केबीसी का लिया हो, यूथ कंपटीशन का लिया हो, या किसी अदर कोचिंग का लिया हो, कुछ भी लिया हो, ठीक है, घटना चक्र की कोई यात्रा की उसको लिया हो, ठीक है, तो उसको डेली करो। देखिए यूथ जो आपकी बैक ईयर की बात होती है, तो बैक ईयर की बात ये होती है कि आपको वो डेली करना है, ऐसा नहीं कि सर टाइम टेबल में तो बैक ईयर बोले नहीं है तो नहीं करना है, भाई बैक ईयर कंपलसरी, वो तो वो काम है ना जो आपको करना ही करना है, वो मैं बोलूं मैं ना बोलूं आपको होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर इस दो काम को आपको डेली 6 घंटा लग रहा है तो 2 घंटा डेली बैक ईयर पे दो, इन दोनों काम में अगर आपको 5 घंटा लग रहा है तो डेली कम से कम 3 घंटा बैक ईयर में दो, यानी इस वक्त 8 घंटे के नीचे मत पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए आपको 8 आवर डाउन नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको प्रीलिम्स प्योर शॉट निकालना है। क्यों मैं कह रहा हूं कि देखो मेंस में क्या है ना, इस बार 4 महीने का टाइम है, दो मेंस आप एफर्ट अच्छी करोगे, आपने पहले थोड़ी काम किया हुआ है तो मेंस निकलने के चांसेस इस बार ज्यादा है और इस बार आपको अच्छा वर्क करना ही होगा। और मैं व्यक्तिगत आपसे एक और मेरी सलाह, अब देखो आप यही पे चाहो तो इसमें एक साथ साथ आप लोग क्या करो ना, यूपी स्पेशल पेपर पढ़ लो, यूपी स्पेशल पढ़ लो, यूपी स्पेशल क्या पढ़ लो, मार्केट में से घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जीएस दृष्टि ऐसे कुछ करके है वो बुक का नाम, ठीक है, वो आप ले लो, उसको ले लो, उसको पढ़ो, क्योंकि देखो अगर पैटर्न चेंज हुआ तो यूपी स्पेशल मेंस में भी है, यानी हो क्या रहा है पैटर्न चेंज करके यूपी स्पेशल इंक्लूड कर रहे हैं, यानी यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल की क्वेश्चंस की महत्ता क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बार जीएस के प्रश्न ज्यादा रहेंगे, इस बात की पूरी मेरी गारंटी है। तो यहां पे आप लोग इसके साथ यूपी स्पेशल करो, तो आप लोग क्या उठाओ, पहले हिस्ट्री उठाओ, करेंट अफेयर उठा लो और यूपी स्पेशल की मैगजीन उठाओ, यूपी स्पेशल उठा लो, ये 3 चीज आप लोग 1 महीने के अंदर खत्म करो, ठीक है, ये 3 चीज 1 महीने के अंदर खत्म करो। इसके साथ बैक ईयर कंपलसरी है, बैक ईयर तो आपके एग्जाम के 2 दिन पहले तक चलेगा, बैक ईयर और करंट अफेयर तो ये एग्जाम के 2 दिन पहले तक चलेगा, बैक ईयर और करंट अफेयर तो आपको यहां से लेके एग्जाम जब तक जाए तब तक छोड़ना ही नहीं है, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, इतनी पढ़ो यार कि क्वेश्चंस गलत ही मत करो, इतनी एफर्ट करनी है, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद से आती है सर की जो अदर सब्जेक्ट है, अब 1 महीने का अगर आपने टाइम दे लिया तो मेरे पास जो 85 डे है, ठीक है, लास्ट 13 दिन को मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मैं उसको दिन नहीं मानता, तो आपके पास जो 55 डे है, ठीक है, लास्ट 55 डे बता रहा हूं मैं, पहले 30 दिन की मतलब जो 100 दिन था तो लास्ट के 15 दिन में मैंने मान लिया आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते हो ना, तो मैंने उसको स्टार्ट भी बताया आपको क्या पढ़ना है, बाद के बीच के 30 दिन में, उसके बाद शुरुआत का 30 दिन है उसमें मैंने बताया आपको हिस्ट्री यूपी स्पेशल करंट अफेयर पे काम करना है। अब जब लास्ट 55 आपको डे बच रहा है, ठीक है,
इसमें क्या करना है। देखो इसमें आपने पहली बात तो क्या क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसमें आपने नहीं पढ़ा है वो है आपका, ठीक है, पहली चीज आपने जियोग्राफी नहीं पढ़ी है, मेजर सब्जेक्ट पढ़ा लिखा हूं, आपने साइंस का आप तो कुछ नहीं समझा है, ठीक है, तीसरी चीज आपकी पॉलिटी हो गई, चौथी चीज आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, मेजर यही है, यूपी स्पेशल तो मैं बोल दे रहा हूं पहले कर ही लो। अब देखो जियोग्राफी और साइंस पे उसके बाद, ठीक है, क्या करो इस पे भी तुम क्या करो डेली 3 आवर का टाइम दो और इस पे भी डेली 3 आवर का टाइम दो, ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी और साइंस मिला के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की संख्या अराउंड 45-40 रहती है, ठीक है। साइंस के साथ एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन खूब होते हैं, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस की संख्या, ठीक है, काफी अधिक होती है, रिपीटेड क्वेश्चंस की संख्या काफी अधिक होती है और डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी में भी क्या होती है, इसमें भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं लेकिन फैक्ट्स चेंज कर देता है, फैक्ट क्या करता है कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन में नहीं आता है, जैसे मान लो कि ट्राइबल्स पे ये हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई भी ईयर उठा लो ट्राइबल पे क्वेश्चन है, ठीक है, जो संसाधन है जैसे लो कोयला वाला, ठीक है, तो जो बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्स यानी आर्थिक जियोग्राफी में, इकोनॉमिक जियोग्राफी में ये इसी इकोनॉमिक जियोग्राफी में इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि ये रिसोर्स कहाँ पाया जाता है, कार उद्योग कहाँ पे है, फल्ला उद्योग कहाँ पे है, ढिमका उद्योग है, डिट्रॉइट किस लिए फेमस है, ठीक है, ये किस लिए फेमस है, वो किस लिए फेमस है, झुड़िया किस लिए फेमस है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इकोनॉमिक जियोग्राफी में हर साल क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ज्योग्राफी के जो अदर जैसे रिवर्स बेस्ड क्वेश्चन, रिवर बेस्ड क्वेश्चन कि ये नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, उद्गम कहाँ से होती है और कहाँ पे जाके मिलती है, अरब सागर में मिलती है या बंगाल में मिलती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की संख्या इनमें हर साल होती है। लेकिन होता क्या ना कि रिवर पे क्वेश्चन हर साल पूछेंगे लेकिन रिवर का नाम क्या करते हैं कभी कभी ये चेंज कर सकते हैं, अलग कभी चंबल पे बनेंगे तो कभी यमुना बनाएंगे, कभी गंगा बनाएंगे, पिछले 3 साल में यही किया है, ठीक है, 2020 में चंबल पे क्वेश्चन था, 21 में यमुना पे क्वेश्चन था और 22 में इन्होंने सिंधु या गंगा पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन दिए है रिवर्स में हर साल लेकिन अंदर क्या है रिवर का नाम बदल दिया है, ठीक है, कितनी बार ये रिपीटेड हो जाता है, कितनी बार ये थोड़ा सा स्टाइल में चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या ना कि एक आप डाटा बनाइए, लास्ट 20 ईयर का जो मैंने बोला बैक ईयर लेके आइए, उसमें एक दिन एक घंटा बैठ के ना जो चार्ट फॉर्म में क्वेश्चन आए हैं उसका डाटा, नदी ऐसे लिखिए नदी और नदी में देखिए कि किस किस नदी पे, चंबल पे क्वेश्चन पूछे, गंगा पे जो ट्रिब्यूटरीज बेसिकली है, गंगा ट्रिब्यूटरी, सिंधु ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बात जाइए, साउथ की कौन कौन सी नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, एक ऐसा चार्ट बना लो, एक घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है, और जाके क्या करो कि रिवर पढ़ो। इसी तरीके से एक बार ट्राइबल्स बना लो कि भारत के वो कौन कौन से ट्राइबल्स हैं जिन पे ये रिपीट लगातार क्वेश्चन पूछे हैं और बाहर के कौन कौन से ट्राइबल्स जिस पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, राजधानियों पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो किस किस देश की राजधानी नॉर्मली टारगेट करते हैं, एक बार डाटा लिख लो, याद कर लो, ठीक है, ऐसा काम आपको करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं हमेशा ज्योग्राफी में आपसे कहूंगा थियरी पढ़ने में बहुत कम जोर दो, ठीक है, ये बेसिकली बिग बैंग सिद्धांत क्या था ना ये नहीं पूछेंगे, या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी तो इनके 20 में 3 आएंगे, बाकी 17 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहेंगे। तो हमारा क्या ना हमको मैक्सिमम सही करना ना, तो आप जो अपना 3 घंटा पढ़ो वो 2 घंटा आप इस पैटर्न पे पढ़ो, 2 आवर आपको इस पैटर्न पे पढ़ो, ठीक है, ध्यान रहे। ज्योग्राफी में ये चार्ट देने वाला भी हूँ, बस एक्चुअली क्या इसमें 2-2.5 घंटे का टाइम निकालना है लास्ट 20 ईयर का, तो वो चार्ट मैं दे भी दूंगा, लेकिन अगर आप लोग खुद से करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब मैं धीरे धीरे थोड़ा टाइम निकाल के चार्ट तैयार करूंगा, अब मैं यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा अच्छा काम आप लोग के लिए कर लूंगा, क्योंकि मेरी ध्रुव की क्लासेस आज से खत्म हो रही है, तो प्री टाइम में मेरी क्लासेस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो प्री टाइम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे, ठीक है, उसको उनको गाइड साथ साथ में करता चलूँ, ठीक है, तो वो मैं काम करता रहूंगा। अब बात आती है, तो ये काम आपको करना है और इसके साथ बैक ईयर करंट अफेयर करते रहना है, जो मैंने स्टार्ट में बता दिया, ठीक है। आप एक ये काम आप क्या कर सकते ना, ये लास्ट ये 30 दिन में ये भी इनको भी आप लोग क्या करिए 30 डे रख लीजिए, इनको भी शेड्यूल पे आप लोग क्या करिए 30 डे रख लीजिए। अब जो आपका बच रहा है, ठीक है, बच रहा है पॉलिटी, यहाँ पे एक एनवायरमेंट इकोलॉजी बच रहा है आपका, पांचवा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बच रहा है, ये बहुत आसान टॉपिक है,
पॉलिटी में अगर आप डेली 2 घंटा दोगे 20 दिन तक, तो घटना चक्र की जो पॉलिटी किताब, इसमें घटना चक्र ही पढ़ना, इन तीनों के लिए आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, घटना चक्र और यूपीएससी हिंदी की जो क्रैश कोर्स है वो, बस क्रैश कोर्स के नोट्स और घटना चक्र, इसके अलावा कुछ मत करना, सारे क्वेश्चंस करोगे। अब देखो पॉलिटी में 2 आवर, इकोनॉमी में डेली 1 आवर, और एनवायरमेंट इकोलॉजी में डेली 2 आवर, 2, 2, 4, 1, 5, बाकी बैक ईयर और करंट अफेयर पे टाइम दो, ठीक है। बैक ईयर करंट अफेयर ज्योग्राफी साइंस हिस्ट्री जो आपने पढ़ी है उसको रिवीजन दे, ज्योग्राफी साइंस हिस्ट्री जो आपने पढ़ी है, करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, बैक ईयर पढ़ रहे हैं, उसके रिवीजन करो आप, पढ़ देना। अब जो काम आप यहाँ पे 5 घंटे में किए वो 30-30 मिनट में करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये काम करना आपको। अब जब ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एनवायरमेंट में आपने यही इतना आवर देना है, ठीक है, 5 आवर, बाकी आप जाहिर सी बात है कि समय नजदीक आ रहा, तो आपको आपको 8 घंटे को 10 घंटा पढ़ाएंगे, हर एक 20 दिन बाद अपनी पढ़ाई में 1 घंटा बढ़ाओ, यानी आपके पास 85 दिन की कोर टाइम है, चलो मैं 100 दिन मान लेता हूं, तो आपको आप पहले 20 दिन बाद आपकी पढ़ाई 9 घंटे, अगले 20 दिन में 10 घंटे, अगले 20 दिन में 11 और अगले 20 दिन में 12, यानी एग्जाम आते आते आपकी 12 घंटे, लास्ट 20 दिन में आपकी तैयारी की 12 घंटे बननी चाहिए, क्योंकि वो पूरी रिविजन का प्रेशर होता है, आपको रिविजन करना होता है, तो टाइम देना ही देना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या है, मैंने सोर्स क्या बताया, यूपीएससी हिंदी का क्रैश कोर्स प्लस इसमें घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र। इकोनॉमिक्स में तो कुछ करना भी नहीं है, इसमें घटना चक्र का जो सेक्शन बी है सामाजिक विकास उसको कर जाओ, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास जिसमें गरीबी बेरोजगारी और वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, इसके बारे में टॉपिक होता है वो कर जाओ। पहले नंबर चैप्टर से जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र है उनसे संबंधित जो क्षेत्र है वो देख जाओ, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इन टर्म्स को एक बार समझ लो, और आपको एसडीजीज पे एक बार तैयारी कर लो, बस यहां से यही क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग वैंकिंग से आजकल क्वेश्चंस देना बंद कर दिया, तो पढ़ना क्यों है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। यहां से इकोनॉमिक्स से आपके 50% प्लस क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर पे आपने काम करेंगे वहां पर जगह। एनवायरमेंट इकोलॉजी में केवल घटना चक्र बना, यहां से बैक ईयर के क्वेश्चन छाप के आते हैं, 90% क्वेश्चन बैक ईयर से आते हैं, 100% क्वेश्चन बैक ईयर से आते हैं, ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेटजी भी आप लोग क्लियर हो। तो ये आपका टाइम टेबल है, तो टाइम टेबल होता है कि आपको 8 आवर मिनिमम पढ़ना है, ठीक है, अगले 20 दिन बाद आपको 9 आवर कर लेना है, उसके अगले 20 दिन 10 आवर, ठीक है, तो ऐसे 20-20 दिन में आप जोड़ेंगे, तो एग्जाम आते आते आपके 12 घंटे की पढ़ाई थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये चीज आपको समझ में आई हो, एक एक चीज आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट वाइज कब किस मंथ में कौन सी चीज स्टार्ट करिए, ठीक है, कितने दिन बाद कितने दिन में उसको खत्म करिए, पैरेलली कौन कौन सी चीज आप लोग चलाते रहिए, ठीक है। अच्छा, ये यहां से नहीं हुआ, ठीक है, हिस्ट्री के लिए बता दिया मैंने, ठीक है, और आपको इसके बाद से करंट अफेयर के लिए बता दिया, यहाँ पे यूपी स्पेशल बता दिया, ये सारी चीज हो गई, ठीक, करंट अफेयर के लिए पढ़ने क्या है, ये सोर्सेस बता दिए मैंने, ठीक है, करंट अफेयर के सोर्सेस मैंने बता दिए, ठीक है, और लास्ट 13 दिन में अंतिम 13 दिन में क्या करना है वो चीज मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है, ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है, फिर आप इस क्लास की विदाई लेते हैं, फिर जयराम जी की जय हिंद।